के मंगल प्रवचन सीधा प्रसारण होने के कारण 4 सितंबर से 10 सितंबर तक रात्रि 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होंगे। परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया, 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा उसके आधार से हनुमान स्वर्ग में भी देवता बन जाएगा। ये इतनी जबरदस्त कमाई बन रही है आपकी, लेकिन पुण्यात्माओं इसमें टायर पंचर मत करियो। ये हवा ही आपके अंदर भरी जा रही है, यही आपकी गाड़ी को लेकर सतलोक जाएगी, और आपने यही इसमें से दूसरों का हवा भरनी शुरू कर दिया, आशीर्वाद देने शुरू कर दिए, तो आप भी यही रह जाओगे। आपको चाहिए सभी बच्चों को, माता पिता, पुत्र पुत्री, रिश्तेदारों को भी कभी आओ तो आप भी हवा भरवा लो। सतलोक आश्रम बरवाला में भरी जाती है, अपने टायर में तो क्यों दूसरे का डाला दोनों कंडम। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं कुछ सावधानी से काम लो। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे ते छन्न हुए तेरी ऐसी भक्ति नसावे। जैसे किसी बहन को गर्भ रहा हो और वो उसको कितना सुरक्षित रखने की चेष्टा करती है, रात्रि के समय करवट लेते समय भी वो चिंतित हो जाती है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई दबाव ना लग जाए, ये खराब ना हो जाए। ऊंचे नीचे में पैर रखते समय भी ध्यान से रखती है कहीं ठेस लग के बच्चा ना गिर जाए। तो पुण्यात्माओं आपको जिस दिन उपदेश मिल गया, आपके अंदर भक्ति बीज गिर गया, अब इस भक्ति बीज को ऐसे सुरक्षित रखना है आपने, इस भक्ति रूपी लाल को, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो, यानी झटका लग गया तो, छन होए क्षीण हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ऐसे भक्ति जावे। तो इस प्रकार आपने इस भक्ति को बड़ी सावधानी से बना के रखना है। सौभाग्य आपका कि आपको ये वस्तु मिल गई, उस उलझे हुए अज्ञान से ये तत्व ज्ञान बना के नौमन सूत सुड़ जाके आज आपके समक्ष रख दिया। अब सुलझे हुए सूत को तो फिर मिनट लगे, कपड़ा बनाते समय मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सुलझा सुलझा सूत आपको दे दिया है, इसकी कदर करो, इसको ठुकराओ मत। अब जैसे ये पुस्तक भक्त वितरित कर रहे हैं गांव गांव नगर नगर में जाके, कुछ भोली आत्मा इनको पाठ देते हैं, किस लिए के रामपाल के सत्संग है इसमें। और ये तो निंदा करता सब संतों की, बताए भगवान कद टूटेगी इनकी या चौंद, कद समझेंगे ये भगवान को, इन अज्ञानियों ने इतना नाश कर रखा भक्ति का, ऐसे अंधे बना दिए जीवों को। तो इसकी कदर करो पुण्यात्माओं,
अब क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना जाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े। इन नकली गुरुओं ने गाम के गाम पूरे समूह के समूह बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर दी। अब के बताते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, और ऐसे कर्म जीव कहला दिए अब बहुत जड़े ना जाड़े। क्या बताते हैं, बोले गुरुआ गर्भ ना कीजे ताते पाहन कदे ना रीजे, बाल मुकंद बोलत ना ही ये लटक बिहारी लूटे। ये जो गलत साधनाओं पर आपको आधारित किए बैठे हैं ये नकली गुरु, उनके विषय में बता रहे हैं परमात्मा कि जो साधनाएं तुम कर रहे हो इस विधि से आपका मोक्ष नहीं हो सकता, और गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, इसका पांडा कदे ना छूटे। ये झूठे गुरु बनकर बैठ गए, बोली आत्माओं को गुमराह कर रहे हैं, इनका भार रख लिया सिर पर इन्होंने। पुण्यात्माओं, इस दास को पता लग गया मेरी आंखें बन गई मोतिया बिंद, मेरा हट गया। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि ये गुरु भी नरक में जाएंगे जिनके पास दो अक्षर का मंत्र नहीं है। और फिर अनुयायी तो उन गुरुओं पर आधारित वही साधना कर ही रहे हैं, वो भी उन्हीं के साथ होंगे। अब पुण्यात्माओं, दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं, सच्चाई कहना है, सत्य बताना है, सच्चा मार्ग दिखाना है, और आपको सतलोक पहुंचाना है। सतलोक कैसे जाओगे, वो साधना का, उस विधि का ज्ञान कराना है, ये दास का उद्देश्य। तो क्या बताते हैं कि गुरुआ के सिर मार पड़ेगी, पांडा कदे न छूटे, पांडा माने पीछा, फिर असंग जन्म तक यही धक्के खाते रहेंगे, क्योंकि गुरुपद को वही प्राप्त करते हैं जो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। अपना आत्मा, ये अध्यात्म ज्ञान है, और आप विद्यार्थी हो, आप तो विद्यार्थी हो जो यहां प्रवेश पागे सतलोक आश्रम बरवाला में, और दूसरे गुरुओं के पास हैं वो तो नावल पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं पढ़ रहे, उनको नावल दंत कथा पढ़ाई जा रही है। वो नावल क्या है उनके, बकवाद। मैं थोड़ी सी झलक दिखा दूं, इनको नावल कहते हैं। ये राधा स्वामी वाले क्या कहते हैं कि हमारे गुरुजी तो वेदों और गीता से भी आगे का ज्ञान सुनाते, हमने वेद और गीता पुराणों की कोई आवश्यकता नहीं। वो तो दुर्त आ रहे थे, दुर्त कितने बोला, राधा स्वामी लोग से आ रहे थे, राधा स्वामी लोक बिला सतलोक अनामी लोक तभी ऊपर साडा राधा स्वामी लोक, इन्हें बैठा बैठा दिया। अब इनका ज्ञान दिखा दूं थोड़ा सा इन गुरुओं का, ये क्या बकवाद गड़ा करते, ये आउट ऑफ सिलेबस नावल पढ़ा करते, और वो नावल भी ऐसे जिनका कहीं सिर पैर नहीं। ये देखिएगा पुस्तक सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये कहां से प्रकाशित है, प्रकाशक जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब, 1961 का छपा हुआ है, पहला संस्करण 1961 से शुरू किया है, हिंदी वाला। ये मुद्रक है लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर दिल्ली से, ये 2003 में 16वां संस्कार है। अब यहां इसकी भूमिका में स्पष्ट किया है, इसको पढ़ो ध्यान से, ये भूमिका है। इसमें लिखा है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक या पुस्तक, हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवा गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार
गुरुमुखी लिपि में छपवाया, यानी 1902 से तो पहले लिखा जा चुका था ये। 1902 में तो गुरुमुखी यानी पंजाबी भाषा में पुस्तक लिखी गई ज्यों की त्यों, और अब जो ये पुस्तक है ये पंजाबी भाषा का अनुवाद है। ये देखो पहली बार 1902 में गुरुमुखी लिपि में छपवाया, प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरुमुखी संस्करण के अनुसार है, और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। ये है, अब कौन है वो? हजूर जी महाराज, स्वामी जी महाराज का शुभ नाम शिवदयाल सिंह जी था, जिसने राधा स्वामी पंथ का जो ना पंथ को स्टार्ट किया, राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक श्री शिवदयाल जी। आपने 25 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम माँ माया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भक्त थे। स्वामी जी महाराज ने तुलसी साहिब की काफी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज यानी शिवदयाल जी का रुझान अध्यात्म की ओर था, क्योंकि ये पुण्यकर्मी प्राणी थे। अगर रास्ता ठीक नहीं मिला अपने आप हट करने लगे। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग अभ्यास किया और 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। अपने आत्माओं ये बातें विचार करने की है कि 1861 तक तो इसने स्वयं हठ योग किया, 17 वर्ष तक 18 वर्ष तक एक बंद कोठे में बैठ गए। ये किसी भी संत का विधान नहीं जिनको भगवान मिला। आदरणीय धर्मदास साहेब जी, आदरणीय मुलुकदास साहेब जी ये किसान थे, और आदरणीय धर्मदास साहेब जी ये बिजनेसमैन थे, सेठ थे। आदरणीय दादू साहेब जी ये तेली का काम करते थे। आदरणीय नानक साहेब जी ये पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा प्राप्ति के बाद प्रचार में लग गए थे, फिर अब किसान थे, अपने घर ही खेती करते थे, फिर 16 वर्ष तक अपने खेतों में काम किया और सतलोक चले गए, और भक्ति भी करते थे। और आदरणीय गरीबदास साहेब जी ये जाट थे, किसान थे, गांव छुड़ानी जिला जज्जर के हरियाणा के, खेती करते थे। और आदरणीय गीसादास साहेब जी ये भी किसान का काम करते थे और भक्ति भी करते थे। ऐसा हठ योग ना तो किसी प्रमाणित सदग्रंथों में, वेद गीता आदि में, पुराणों में नहीं। पुराणों का जिक्र नहीं, पुराण तो ऋषि महर्षियों की अपनी बनाई हुई सिद्धांत विधान है। वो भी ऐसे हठ योगी थे जैसे शिवदयाल था। तो इस प्रकार ये साधनाएं किसी भी ग्रंथ में विद्वान नहीं थी जो श्री शिवदयाल जी ने की। अब ये क्या बताते हैं कि व्यास का डेरा किसने स्थापित किया? बाबा जयमल सिंह जी ने। इसी पुस्तक में क्लियर कर रखा है, पृष्ठ 6 पर आप पढ़ रहे हो, देखिएगा। ये 1861 में तो ये शिवदयाल जी सत्संग करने जोगा हुआ, उस दिन खुले तौर पर सत्संग सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू किया। 6 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, और यहाँ देखो आपके बाबा जयमल सिंह जी का जन्म जुलाई 1839 ग्राम गुमान जिला गुरदासपुर में हुआ। अच्छा फिर देखो, बाबा जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। अब देखो गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर 5 शब्द का जिक्र आया है। बाबा जी यानी जयमल सिंह जी 5 शब्द का भेद जानने के उत्सुक हो गए। आप इसी तलाश में घर से निकल पड़े और जगह जगह जाकर महात्माओं से मिलकर 5 शब्द का भेद प्राप्त करने की कोशिश करने लगे। इसी खोज में आप स्वामी जी महाराज इस शिवदयाल जी के फसगे काल के दूत के पास आगरा आए और उनसे 1856 में नामदान प्राप्त किया। 1856 में नाम ले लिया, जबकि 1861 में तो यू सत्संग करण जोगा हुआ था, जब तक तो यू शिवदयाल अंडर ट्रेनिंग था। कच्ची सरसम पीड़ के खड़ो है ना तेल, ये बनाई बाबा जयमल सिंह के साथ। देखो
और फिर 32 वर्ष सेना में नौकरी करके 18 अगस्त 1889 में पेंशन प्राप्त कर के रिटायर हुए तथा ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। ब्यास आकर बाबा जी महाराज ने वह सत्संग शुरू किया, यानी 1889 में इसने अपने आप सत्संग शुरू कर दिया, किसने, बाबा जयमल सिंह ने। और सन 1878 में 61 वर्ष की आयु में शिवजाल जी की मृत्यु हो गई थी सन 1878 में, उसके 11 वर्ष बाद 1889 में अपने आप स्वयं भू संत बनकर बाबा जयमल सिंह ने ब्यास मंडेरा स्थापित कर दिया। यदि इसको नामदान का आदेश होता तो उसी से मैं शुरू कर देता ये नामदान करना। जैसे इस दास को 1994 में आदेश कर दिया था मेरे पूज्य गुरुदेव ने कि नाम दिया कर, उस समय दास सर्विस करता था, जेई की नौकरी करता था, उसी दिन से नामदान शुरू कर दिया था। और मई 1995 में एक वर्ष लगभग नाम भी देता रहा, अपनी नौकरी भी करता रहा, सत्संग भी करता रहा संडे और सैटरडे को। फिर एकदम इतना परमात्मा की दया हुई, एकदम बहुत इस ज्ञान की जिज्ञासु हो गए और बहुत ज़्यादा संगत बनने लगी। तो 1995 में दास ने रिजाइन कर दिया नौकरी से और उसी दिन से नामदान शुरू कर रखा। इसे सिद्ध है कि इसको कोई नामदान का भी आदेश नहीं था, आदेश होता भी तो क्या होता, क्योंकि इनका ज्ञान एक आने का नहीं और फिर शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। और गुरु बिन माड़ा फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। 1903 में जयमल सिंह जी की मृत्यु होगी, उन्होंने श्री सावन सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और सावन सिंह जी के बहुत से शिष्य हुए, उनमें से मुख्य शिष्य थे श्री खेमामल सिंह जी, जिसको सामस्ताना भी कहते हैं, डेरा सच्चा सौदा सरसा में अब डेरे की स्थापना कर ली मनमुखी। और एक थे कृपाल सिंह जी, उन्होंने दिल्ली में स्थापना कर ली मनमुखी, सावन सिंह जी का आदेश नहीं था उनको किसी को भी। अब कारण क्या था कि ये दोनों अपने आप को उत्तराधिकारी महसूस करने लग गए थे, श्री खेमामल सिंह उर्फ सामस्ताना और श्री कृपाल सिंह, जिसने दिल्ली में सावन कृपाल मिशन बना दिया, डेरा बना रखा है। तो इन दोनों को बाईपास कर दिया टकराव को टालने के लिए, किसने, सावन सिंह जी ने, और एक सरदार जगत सिंह को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, उसके नाम वसीयत कर दी लिखित रजिस्टर्ड। यू तो सारा आवा का आवा खराब है सत्कर्मान राधा स्वामी वाले का। फिर क्या था कि 3 साल के बाद जगत सिंह की मृत्यु होगी, जगत सिंह की मृत्यु के बाद श्री चरण सिंह को बना दिया उत्तराधिकारी। अब चरण सिंह भी श्री सावण सिंह का शिष्य था, जगत सिंह भी श्री सावण सिंह का शिष्य था। अब जगत सिंह ने उसको कैसे नाम का आदेश दे दिया, क्योंकि ये गुरु भाई को कैसे हो, तो फिर उसका चेला होना चाहिए, उसको भी आदेश नहीं था श्री चरण सिंह को। तो पुण्यात्माओं, ये बिना सिर पैर का है सारा कुछ, सब गोलमाल है, ये सत्कर मान लियो। दास का उद्देश्य है कि तुम फंस निकलो नकलियों से, आपका जीवन नष्ट हो रहा है, ये अनमोल जन्म बर्बाद हो रहा है, जो एक सांस की कीमत 3 लोक भी नहीं है, 3 लोक भी इसके पासंग नहीं है, ऐसे अनमोल जीवन को और आप कहाँ बर्बाद कर रहे हो ओछी साधनाओं में। अब ये क्या कहते हैं, सच्चा सौदा सिरसा वाले 1949 में सामस्ताना जी ने श्री सावन सिंह जी की आज्ञा से और सच्चा सौदा सिरसा का डेरा की स्थापना कर दी और नाम देने लगे। जबकि सावन सिंह जी की मृत्यु 2 अप्रैल 1948 को हो चुकी थी, 1 साल पहले। तो पुण्यात्माओं, ये सारा मनमुखी सांग है, मनमुखी आचरण है। इनका दास को जो दिखाना चाहता था वो दिखाता हूँ। अब यहाँ चल रहे हैं, ये वही सार्वचन वार्तिक की भूमिका पढ़ रहे हैं हम, और प्रश्न नंबर 7 पर आपको दिखा रहे हैं।
29 दिसंबर 1903 को बाबा जयमल सिंह जी महाराज ज्योति जोत समा गए। अपने जाने से करीब 6 महीने पहले आपने अपने प्रमुख शिष्य महाराज सावन सिंह जी को अपना जानसीन बनाया। हजूर महाराज सावन सिंह जी का जन्म 20 जुलाई 1858 में ग्राम जाटान जिला लुधियाना में हुआ। ये देखो फिर 20 मार्च 1948 को एक रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना जानसीन नियुक्त किया और 2 अप्रैल 1948 को निज धाम चले गए। सावन सिंह जी की मृत्यु होगी 2 अप्रैल 1948 को। अब हम वहां आते हैं, इनका नावल सुनाते हैं आपको। नावल भी अच्छा है इनके ज्ञान से, किसके? श्री शिवदयाल जी के नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज से, इनके अध्यात्म ज्ञान से। तो नावल भी अच्छे, जिसका कोई लिंक तो होता है थोड़ा बहुत, कि सिर पैर तो होता है उसका, और इनका कहीं सिर पैर नहीं। और 150 वर्ष तो हो गए लगभग इसको, और ये बोले श्रद्धालु आंख नीचे बैठे हैं, परम दर्णीय जो बोल दे वह साची। क्योंकि विद्यार्थी का तो यही होता है कि जो टीचर बता रहा है वो साची होगी। ये टीचर तो ना थे, ये टीचर नहीं थे, जो आउट ऑफ सिलेबस आपको पढ़ा रहे थे। इनका आउट ऑफ सिलेबस दिखा रहा हूं, और जो ये कहते हैं हमारे गुरुओं का ज्ञान तो वेद और गीता और पुराणों से और कुरानों से और बाइबल से सबसे ऊपर का है। ये देखो इनके हुआ भाई राधा स्वामी साहेब, राधा स्वामी दयाल की दया, खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। शिव राधा स्वामी कौन है? इनका शिवदयाल, शिवदयाल के वचनों का, जो जैसा कि आपने यहाँ पढ़ा था भूमिका में, कि ये सार भूमिका है ये, कि ये सार वचन राधा स्वामी वार्तिक हजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। और हजूर जी महाराज कौन है? स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। ये है वो शिवदयाल जी हजूर जी साहेब। अब ये क्या वचन बोल रहा है, अब हम आगे यहाँ पर 13 पृष्ठ पर, ये 12 है ये 13। अब यहां से पढ़ेंगे हम। दफा एक, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे। यहां पर सतनाम और राधा स्वामी को इन्होंने मुकाम सिद्ध कर दिया, स्थान, सतनाम माने स्थान। ये देखिएगा 14 पृष्ठ पर पहुंचावे। अब तीसरा वचन देखेंगे इनका, एक आपने पढ़ लिया था, अब तीसरे में जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर तरफ मुकाम असली के चले। सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर, देखो इनकी अकल, मंजिल माने स्थान, यानी कोई तो पांचवी मंजिल सतनाम पर पहुंचे, और बिरले संत मंजिल आठवी पर राधा स्वामी मंजिल पर पहुंचे, स्थान पर पहुंचे। अब देखो चौथा वचन देखो 15 पृष्ठ पर, सार्वचन वार्तिक भाग एक। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा स्थान है, ठीक है, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहेब और सच्चे खुदा का है, ठीक है। युराधा स्वामी के को परिभाषित कर रहा है भी यहां तक तो। और इस मुकाम से राधा स्वामी स्थान से 2 स्थान नीचे सतनाम, सतनाम को ये स्थान सिद्ध कर चुके हैं। स्थान का स्थान है, अरे वाह, ये भी दिखा कि तब भांग की गुट्टी ला रहे होंगे। अब वहां सतनाम को स्थान सिद्ध कर रहे हैं, और ये कहते हैं नीचे स्थान का स्थान है, सतनाम का मुकाम स्थान का स्थान है, अरे वाह। और जिसको यानी इस सतनाम को आगे फिर परिभाषित किया है इन्होंने, डिफाइन किया है, इस सतनाम का मुकाम है, सतनाम को जिसको, सतनाम को संतों ने सतलोक, सचखंड, सार शब्द सतनाम, और सतशब्द सतनाम, और सतनाम भी सतनाम, और सतपुरुष सतनाम करके
बयान किया है। वारे देवताओं अन्यों के हमारा ज्ञान तो वेदों और गीताओं से ऊपर का है। अब ये था वो उवाबाई, ये दिखाना आवश्यक था कि ये तो आपको आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे थे और यहां पर है वो शास्त्र अनुकूल वेदों गीता पुराणों और सुख संवेद और उन महापुरुषों की वाणी जिनको भगवान मिले उनकी जो छुरी है वही उनका प्रैक्टिकल था, अंडरस्टूड है। जो उन्होंने लिखा है कि परमात्मा ऐसे प्राप्त होता है और उन्होंने वही नाम जाप किया जैसे प्राण संगली में नानक साहब ने किया है कि साध संगत मिल माना और नामो में नाम ओम सोहम जाने, सोहम हंसा जप जाप, यानी कई जगह इन्होंने जानबूझ कर इस मंत्र को टुकड़ों में लिखा कि कहीं नकलियां का हाथ ना लग जा। लेकिन इस दास को जिस दिन से उपदेश प्राप्त हुआ हमारे गुरुदेव जी यही मंत्र देते थे। और ये तो बाद में आवश्यकता पड़ी जब मुझे आदेश हुआ नाम दान करने का और सत्संग करने का, तब दास ने देखा भी यूं तो कोई नहीं मानेगा, अपने अपने मनमुखी कोई कुछ नाम देता है कोई कुछ नाम देता है, संतों के सत्संग भी सुनने गया जानबूझ करके, देखूं ये क्या कुछ बताते हैं, तो कोई कुछ नाम दे रहा है कोई कुछ साधना बता रहा है कोई कैसा ज्ञान दे रहा है। तो फिर मन में बहुत चिंता बनी कि परमात्मा फिर ये आपका नाम सही है ये तो कोई डाउट नहीं, आपके बच्चे कैसे पहचान सकेंगे कि ये मार्ग ठीक है ये गलत है। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने कैसी प्रेरणा की, 2001 में कि वेद मेरा भेद है ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा, पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी सोचा कि इसको देखता हूँ कहीं थोड़ा बहुत मिल जाए परमात्मा की महिमा इसमें, तो पूरा हिंदू समाज तो मान ही जाएगा। जब देखने लगा दास ने देखा रो तेरे की ये तो सारा माल भरा पड़ा है पर इन अज्ञानियों ने ज्ञान कर रखा है इसका। गीता ज्ञानदाता कहता है वो पूर्ण परमात्मा तो कोई और है उसी की कृपा से ही परम शांति होगी, और अपने विषय में कहता मैं तो नाशवान हूं मेरी जन्म मृत्यु होती है तेरी भी होगी परम शांति नहीं हो सकती, यहां मेरे पास रहेगा तो युद्ध भी करना ही पड़ेगा। बस यूं सोचो दास के उमंग और खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, उठा ली कलम पेन लगा नए सिरे से अनुवाद करना, इन अज्ञानियों ने अनुत्तम का अर्थ भी अति उत्तम कर रखा है, बैड का अर्थ गुड लिख रहे, फूटे बाग हमारे ऐसे गुरु मिले। फिर ये गहरी नजर गीता बना के आप जी के समक्ष प्रवेश की प्रगट की जो आपके कर कमलों में उपलब्ध है। अब इस ज्ञान को दास के द्वारा अनुवादित और उन संस्कृत के ज्ञाताओं द्वारा अनुवादित को मिलाकर देखना तो ये है गॉड गिवन ज्ञान इस दास को, और वो था अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी। अक्षर ज्ञान प्राप्त प्राणी इन सदग्रंथों के गुड रहस्यों को नहीं समझ सकता, ये तो गॉड की कृपा परमात्मा की कृपा हो, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज दास को प्राप्त हुआ उस मास्टर की से इन सदग्रंथों के खजानों को खोल पाया ये दास जो आपके रूप रूप राज। अब हम आते हैं उसी प्रसंग पे कि गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाज ये फिर जुड़े नहीं जाड़े है। अब ये आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाते रहे, इस विश्व में यदि अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टडी है आध्यात्मिक ये ज्ञान अगर है तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा भारत में है, इस विश्व में नहीं है। अब देखो वेद ज्ञान दाता भी कह देता है गीता ज्ञान दाता भी कह देता है कि पूर्ण ज्ञान तो तत्वदर्शी संत बताएगा
और वो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। तो अभी तक सब निराकार बताया करते परमात्मा को, तो इनके पास ज्ञान नहीं था, क्योंकि जो इन्होंने अभ्यास करके अनुभव किया वो आउट ऑफ सिलेबस था। ये बताते रहे निराकार है परमात्मा, हमारे सदग्रंथ बताते हैं साकार है, नर आकार है, मनुष्य दृश्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया, सचखंड गए, सतलोक देखा, अमर स्थान देखा, उन्होंने आकर बताया कि हमरे ही उनिहार है हमारा सृजनहार। उनिहार माने हमारे जैसे रूप का, हमारे जैसे रूप में है वो हमारा सृजनहार, हमारा पिता तो हमारे जैसा ही होगा, मनुष्य तो होगा ही होगा। तो ऐसे ही उन्होंने आंखों देखा, बताया कि सतलोक में, सचखंड में, नानक साहब जी कहते हैं सचखंड की साखी में कि उस प्रकाश के अंदर, यानी सब प्रकाशित है सतलोक, उस प्रकाश में कहते हैं एक तख्त पर निरंकार बैठा है, उसका भी प्रकाश ही प्रकाश है। तो निराकार कैसे हुआ, वो साकार है। फिर धानक रूप रहा करता, 24 नंबर पृष्ठ पर ग्रंथ साहिब के श्री नानक साहिब जी के मैले पहले की वाणी, फाई सूरत मुलुक की वेश, सूरत माने साकार, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासियाना बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर 731 पृष्ठ पे मैला पहला की वाणी में है, नानक साहिब कहते नीच जात परदेसी मेरा, खिन्ना आवे तिल जावे, अरता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे, उसका कैसे ओढ़ पाऊंगा मैं, वो एक सेकंड में तो सतलोक दिख है, एक सेकंड में यहाँ घूम रहा होता है, वो नीच जात परदेसी मेरा धारणक रूप रहा करतार, वो काशी का दुलाहा कबीर बाबा जिंदा, तो साकार है। और पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में 26 नंबर श्लोक में और 27 में लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्यों को उत्पन्न करूंगा और मनुष्यों को मैं अपना जैसा बनाऊंगा, ऐसा ही बना दिया, नर नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर भगवान निराकार कैसे हुआ, तो पूरा का पूरा ईसाई धर्म आउट ऑफ सिलेबस स्टडी कर रहा है, आउट ऑफ सिलेबस मनमुखी बातें बनाई जा रही है। ऐसी कुरान शरीफ, ये मुसलमान लोग कहते हैं परमात्मा तो बेचून है, निराकार है, पवित्र बाइबल की 50% लगभग वचन ज्यों के त्यों कुरान शरीफ के अंदर है। अब जैसे पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन विश्राम किया, वो है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म। तो ऐसे ही कुरान शरीफ के अंदर सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट किया हुआ है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। और उस कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, जिसको मुसलमान भाई अपना अल्लाह मानते हैं, कि उस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को ज्ञान दिया, चाहे उसने थरो जबराइल फरिश्ते के दिया, चाहे उनको वह भेज कर दिया, या स्वयं आकाशवाणी करके दिया, उस निराकार ने दिया, उस परमात्मा ने वो ज्ञान दिया कुरान शरीफ का, और वो लिपिबद्ध किया गया। तो कुरान शरीफ के ज्ञान का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि तू, मैं जो कह रहा हूं इन बातों पर विश्वास कर। ये काफिर तो कबीर को अल्लाह नहीं मानते, और तू इनके साथ संघर्ष कर, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं, संघर्ष कर, इनकी बातों में मत आना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, पृथ्वी के अंदर भी मीठा और खारा जल भर रखा, इसने सब जीवों को उत्पन्न किया, को बहु बेटी बना रखा। और वो परमात्मा, वो कबीर अल्लाह अपने भक्तों के गुनाहों को भी माफ कर देता, वो खूब जानता है, बाखबर है। और वो कबीर नामक परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। यानी इससे सिद्ध हुआ कि तख्त पर जा बैठा तो साकार भगवान हुआ। और फिर इससे ये भी सिद्ध हो गया कि जो अल्लाह कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, वो खुद कह रहा है कि उससे मैं अपरिचित हूं, उसको तो बाखबर यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। तो इससे दो बातें सिद्ध होगी, एक तो वहां आउट ऑफ सिलेबस स्टडी ये है कि वो निराकार बतावें और उनके सदग्रंथ साकार बतावें, दूसरा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वो ज्ञान पढ़ रहे हैं कुरान का, तो उसमें वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। ऐसे ही श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में
कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जिसके बारे में बताया है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला है कबीर साहब ने, वो है तत्व ज्ञान, वो कबीर वाणी में लिखा है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और वही बताएंगे। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी अपरिचित पूर्ण ज्ञान से, और गीता जी का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। ऐसे ही वेदों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 में वेद ज्ञानदाता कहता है कि कोई तो परमात्मा को जन्म लेने वाला उत्पन्न होने वाला कहता है, कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, निराकार बताते हैं। उसका सही ज्ञान तो धीराणाम यानी तत्वदर्शी ज्ञानी आत्मा बताओगे, तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। तो इन सभी ग्रंथों में इनकम्प्लीट नॉलेज है, और कम्प्लीट नॉलेज सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है। और फिर जो भी नॉलेज उसमें है, जैसा भी उन ग्रंथों में है, उससे भी अपरिचित है ये। जैसे कुरान शरीफ कहती है कुछ 6 दिन सृष्टि रथ के साथ में दम तकत पर जा बैठा, फिर निराकार कैसे हुआ, बेचून कैसे हुआ, और सारा जो ये ईसाई धर्म क्या कहता है कि गॉड हैज नो फॉर्म, परमात्मा निराकार है। और बाइबल में लिखा है, पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ के 26 नंबर श्लोक में और 27 में कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति करती, फिर फॉर्मलेस कैसे हुआ। तो ये आउट ऑफ सिलेबस सुन रहे हैं, दंत कथा पढ़ाई जा रही है, लेकिन सदग्रंथों में ज्ञान सही है जितना भी उनके सत्र का है। जैसे मैट्रिक तक की पुस्तकों में मैट्रिक सत्र का ज्ञान तो है लेकिन कंप्लीट नहीं होता, ऐसा ही जानो। अब क्या बताते हैं, और इन नकलियां का आपने देख लिया, इनका कोई ग्रंथ है ढंग का कोई नहीं, वही सतनाम वही सतलोक है, इनका सतनाम में ना समझ मारा। अब ये थोड़ी सी कसर और रह जाएगी और काट दू। ये जो सावन सिंह जी हैं, ये हैं सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली जहां से चला है श्री खेमामल जी, या अर्थात बलोचिस्तानी सावनस्ताना जी के गुरु जी थे सावन सिंह जी। अब सावन सिंह जी इस सतनाम से कितने परिचित थे ये देखिएगा। ये है संत मत प्रकाश और भाग 3, ये हैं श्री सावन सिंह जी, श्री सावन सिंह जी महाराज। और ये देखिएगा ये कहाँ से छपी है ये पुस्तक, प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब। ये मुद्रक हैं गोपसेंस पेपर लिमिटेड। अब इसके 102 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, इनका अज्ञान दिखाते हैं। संत मत प्रकाश भाग 3 102 पृष्ठ पर यहाँ देखिएगा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। यहाँ सतनाम को सचखंड बताया है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है यू दिन की अकल, सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड जा सकता है। यानी सचखंड या सतनाम ये चौथा लोक है, ये सतनाम को लोक बताया है और ये आपके अंदर है। और जबकि कबीर परमेश्वर उस करने नौ दीदार महल में प्यारा है एक शब्द है परमात्मा का, वो कहते हैं कि ये सब रचना पिंड मझारा, और माया ने सतलोक की नकल करके इस ब्रह्मांड के अंदर उस सतलोक के नकली झूठे लोक सतलोक अलखलोक अगमलोक बना रखे। तो जो ये राधा स्वामी वाले सचखंड बताते हैं कि आपके अंदर है, ये तो नकली है। और परमात्मा कहते हैं इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब ऐसे डिफरेंशिएट होगा इनके अज्ञान और ज्ञान से तुलना करेंगे। अब ये तो कहते हैं इस शरीर में देखो सब कुछ, और जिनने महापुरुष नो परमात्मा मिला ये कहते हैं इसके अंदर धुन सुनो, ये तो काल की धुन है। जैसे एक ढोलक होता ढोलकी, उसको बजाने के लिए एक विशेष डंडा होता है डंडा,
और उसी से बजाया जाए तो सही धुन निकलती है, और उसके कोई जूते ठाकर मारने लग जाए धुन तो फिर भी होगी पर वह तो बकवाद होगी। तो ऐसे ही असली मंत्र से भी धुन हो गई और नकली से भी होगी। नकली वाली तो बकवाद होगी, उसको कोई पसंद नहीं करेगा, उसको कौन साथ रखेगा, कौन साज में रखेगा। और जो विधि से बजाने वाला डंडे से बजा रहा होगा वही सिलेक्ट किया जाएगा, ये समझ रहा। दूसरा ये बता है कि इसके अंदर जो धुन सुनाई दे रही वो भी नकली है, और कोई हैरे परले पार का जो भेद कहे जनखार का, परले पार का इस काल के लोक से पार लोक सतलोक का कोई है वो बताए हमारे को वो झनकार कैसी है, ये नकली झनकार है, नकली धुन है ये। अच्छा अब जो प्रसंग चल रहा है कि ये क्या कहता है कि ये सतलोक सचखंड या सतनाम, ये चौथा लोक है, सतखंड कहो चाहे सतनाम कहो, इसको सचखंड कहो चाहे सतनाम। आगे देखो 106 पृष्ठ पे इसी संत मत भाग प्रकाश 3 के, ये देखो 106-7 पर, ये संत मत भाग प्रकाश 3 106 पृष्ठ पे नीचे से देखते हैं। वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है इनका ज्यादा ना बता करके यहीं से शुरू करते हैं। अब महाराज सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम का, वही सत्संगी क्या राम बहुत सारे हैं, महाराज जी कहते हैं राम 4 हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। सावन सिंह जी कहें 4 राम हैं। अब 107 पृष्ठ पर हमारे हैं, वही सत्संगी हजूर चारों रामों को खोल कर बताइए। अब श्री सावन सिंह जी लगे ये परमात्मा कबीर साहब की वाणी है, इसका अनुवाद कर रहे हैं सावन सिंह जी, अनुवाद ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब सावन सिंह जी इस परमेश्वर की वाणी को गलत खोल रहे हैं, ये तो शुरू शुरू में ठीक बोला है, एक राम राजा दशरथ का बेटा, इसने कहीं भी अनुवाद ठीक नहीं करना आया। अच्छा दूसरा जो त्रेता युग में हुए अवतार थे और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, तीसरा राम ब्रह्म है, देखियो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अरे देवता यह सतनाम में ना सूतमा लिया इनके, कहीं तो कहते हैं सतनाम चौथा लोक है सचखंड है, और यहाँ कहते सतनाम राम है असली राम है, और दिखाऊं ये कोर इनकी, और इसके गुरुजी यही बकवाद कर रहे हैं उसमें सार वचन वार्तिक राधा स्वामी में कि सतनाम को संतों ने सचखंड सार शब्द सतशब्द सारनाम और सतनाम करके बयान किया है। अरे तेरा गजब, वजह से ये तो ऐसी व्याख्या है शिवदयाल जी की और इन संतों की, जैसे किसी जंगल में रहने वाले शहर से 300 किलोमीटर दूर व्यक्ति ने कभी इत्तफाक से किसी से सुनी सुनाई बातों को सुन लिया कि शहर में कार में घूमते हैं, पेट्रोल से चलती है, ड्राइवर चलाता है, और वो नकली कहे कि मैं कार में घूमता हूँ, शहर में घूम कर आता हूँ, तो उससे किसी ने पूछा कि कार कैसी है, पेट्रोल कैसा है, ड्राइवर कैसा होता है, सैर सड़क कैसी है, तो वो लगे डिफाइन करने के पेट्रोल भी कार को कहते हैं, सड़क भी कार को ही कहते हैं, शहर भी कार को ही कहते हैं, ड्राइवर भी कार को ही कहते हैं, और पेट्रोल पंप भी कार को ही कहते हैं। तो ऐसी व्याख्या करने वाले व्यक्ति ने कभी पेट्रोल कार ड्राइवर देखा है या शहर देखा है? ऐसी ही ये स्टेटमेंट ये शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक और उसके अनुयायी दे रहे हैं, जिनका कहीं सिर पैर नहीं है, इन्हें खक भी पता नहीं सचखंड का, तो ये कहाँ ले जाएंगे? कहते ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, झूठा ज्ञान और ध्यान कहाँ लाओ? छुरी के आधार से प्रैक्टिकल होता है, तुम्हारी छुरी ही गलत है तो प्रैक्टिकल टट्टू करोगे, तुम खाक प्रैक्टिकल करोगे तो मूर्ख बना रखा ये भगवान। पुणात्माओं मेरे साथ तो जो बनेगी पर इनकी खाल तार दूंगा गति।
वो तो मुझे पता है, जिस महापुरुष ने सच्चाई बोली उसको लड्डू तैसे मिल रहे हैं। परीब का काल ईसा कर दूंगा, ये की तजोगे नहीं रहेंगे, बोए नहीं जामेंगे। पहले हम छोटे छोटे थे ना, वर्षा के दिनों में आम के पौधे उगाते थे, नीम के पौधे अपने आप उगाते थे, हम उनको निकाल कर नीचे से और अपने खेतों में लगाया करते थे। तो जिस पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से तो वो लगा नहीं करते थे, कुमड़ा जाते थे। तो हम लेकर चलते थे तो किसी की मिट्टी हट जाती पौधे से जड़ों से तो ये कहा करता एक दूसरे को कि तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, इब ये उग गए कोनी। और ऐसा ही होता था, वो मुरझा जाता था। तो इनकी जड़ इब्राहिम ताई दिखा दी, आपको दिखा दी इनकी जड़। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मैं राकेश कुमार। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं मंदसौर जिले के नारगढ़ गाँव का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 23 अगस्त 2014 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति किया करता था, जिनमें मैं भोलेनाथ की भक्ति ज़्यादा करता था और उज्जैन में जो उनकी सवार निकलती थी हर बार मैं वहाँ जाता था। रामदेवरा जाते थे हम पैदल, भादवा माता जी जाते थे, मतलब सर जी हम सभी देवताओं की भक्ति करते थे, पर हमको उनको भक्ति करने से कोई भी लाभ नहीं मिला। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे जो घर के पास में एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य रहते हैं, तो दिन में मोबाइल में संत रामपाल जी की जो वाणी है वो चलाते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि भाई यार ये तू रोज रोज क्या चलाता है यार, ये मेरे तो समझ में पड़ता ही नहीं। तो बोलता है कि हमारे गुरुजी जो हैं संत रामपाल जी महाराज, ये उनकी वाणी है और वहाँ जाने के बाद ये लाया हूँ मैं, इससे सुनने से अच्छा लगता है। मैंने कहा ठीक है। तो सर जी फिर अचानक क्या हुआ कि हमारे जो पत्नी है उनकी क्या है कि तबीयत बहुत खराब रहती है, मतलब हाथ पाँव मतलब जलन बहुत करते थे। तो उसको हमने बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। तो हमारे पड़ोस में जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं उनके घर से भी सभी जुड़े हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से, तो उनके पत्नी ने मेरी पत्नी से बोला कि अगर तुम वहाँ चलोगे संत रामपाल जी महाराज के पास दीक्षा लेने तो आपकी सभी बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी पत्नी ने मेरे से बोला कि एक बार चल के तो देखते हैं, अपन इतने बड़े बड़े डॉक्टरों पर जाके आ गए, फायदा तो कुछ मिल नहीं रहा। तो मैंने कहा कि चलो चलते हैं। मैंने कहा इसी बहाने अपन भी हरियाणा और इधर घूम के आ जाएंगे। तो सर जी हम अगले दिन उनकी बात सुनकर मेरी पत्नी बोली कि अपन भी चले, तो मैंने कहा चलो ठीक चलते हैं। तो अगले दिन हम सार के बरवाला में गए और हम दोनों ने सपरिवार हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। सर पहले आप बीमारियों से परेशान थे और इसी बीच आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उनके कहने पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ प्राप्त हुए? सर जी लाभ तो बहुत हुए, उसमें से पहला लाभ तो ये है कि जो मेरी पत्नी को बीमारी थी पाँव में जलन, मतलब वो शाम होती वो बस वही बोलती कि मेरे पाँव में बहुत जलन होती, तो मैं लेकर उसको हॉस्पिटल जाता और वो डॉक्टर गोली देते था, उससे थोड़ा फर्क पड़ता और वापस वो बीमारी फिर चालू हो जाती। तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से पहला लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मेरी पत्नी स्वस्थ हुई, और दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ सर जी कि मेरे पिताजी बीड़ी बहुत पीते थे, मैं उनको बहुत बोलता था कि आप भी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए तो आपके नशा वशा सब छूट जाएगा। तो वो बोलते कि हाँ ले लेंगे ऐसा बोलते थे। पर एक दिन क्या हुआ सर जी कि अचानक वो बाहर बैठे थे तो उनको हृदय रोग हुआ और अटैक आ गया। तो उस दिन मैं भी घर पे ही था तो बाहर वाले आए बोले कि यार तेरे पापा बाहर पड़े हुए ने लौट रहे यार। तो मैं गया, मैंने देखा कि ये क्या हुआ, तो फिर हम उनको हॉस्पिटल ले गए। तो हॉस्पिटल ले गए सर जी हम, तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उन्होंने बोला कि यार बेटा बहुत जल्दी बहुत देर कर दी तेने लाने में,
और एक काम कर तू इनको मंदसौर ले जा बड़े अस्पताल में। तो सर जी मैं उनको लेके घर आया और घर से मारुति वैन करके हम जैसे ही बैठ रहे थे और मंदसौर जाने के लिए निकले तो हमारे जो पड़ोसी आए वो बोले कि क्या हुआ क्या हुआ, और उन्होंने मेरे पापा का हाथ वगैरह देखा तो बोले कि बेटा ये तो खत्म हो गए ना, अब कुछ सार नहीं वहाँ जाने से। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे गुरुजी पे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा विश्वास है और मैं इनको मंदसौर ले जाऊंगा। तो सर जी मैं इनको मंदसौर ले जा रहा था तो रास्ते में ही जाते हुए हमारी गाड़ी क्या है कि खराब हो गई। फिर वहाँ मैंने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और मैंने कहा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज मेरे कुछ भी मदद करो और गाड़ी की व्यवस्था करवाओ। तो उधर से क्या है कि हमारे थाना जो लगता है वहाँ के TI साहब की गाड़ी निकली, उन्होंने मेरे को पहचान लिया रात में और गाड़ी में बिठाया और हॉस्पिटल तक ले गए। और मंदसौर जाने के बाद डॉक्टर ने फिर जैसे देखा उन्होंने भी वापस हमको रेफर कर दिया कि बेटा इनको उदयपुर ले जाओ। तो वहाँ से फिर हम उदयपुर निकले। तो मैंने रास्ते में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई आश्रम में फोन लगा के गुरु जी मेरे पिताजी की अगर स्वस्थ हो गए तो मैं इनको भी नाम दीक्षा दिलवाऊंगा, तो आप इनको ठीक करें। तो सर जी हम जैसे ही जा रहे थे और आधे रास्ते में पहुंचे थे और उनको होश आ गया और उन्होंने उल्टी वगैरह करी और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा मेरे को एक सफ़ेद साफे वाले तुम्हारे जो गुरुजी है संत रामपाल जी महाराज वो आए और उन्होंने मेरे से बोला कि बेटा तेरे को कुछ नहीं होगा, इतनी बात बोली उन्होंने और मेरे से, और बोले कि मेरे को भूख लग रही है। फिर मैंने उनको चाय बिस्किट वगैरह करवाया वहाँ पर। उसके बाद जैसे ही हम उदयपुर गए तो वहाँ पर डॉक्टर ने उनको चेक किया वगैरह और सुबह बोले कि इनको तो अटैक आया था, पूरे शरीर की MRI जांच की करवानी थी तो उन्होंने बोला कि इनकी जांच करवाना पड़ेगा, आपको पैसे जमा करवाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने पैसे जमा करवा दिए और उन्होंने जैसे ही जाँच करी तो डॉक्टर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा देखो ये यहाँ जो फेफड़े के पास ये जो नली रहती है उसमें बीड़ी पीते थे, इसकी वजह से उनको क्या है कि कचरा फंस गया है तो इसकी वजह से अटैक आ रहा है ना, अगर ये इसका ऑपरेशन अगर आपने जल्दी नहीं करवाया तो ये कभी भी फिर वापस अटैक आ जाएगा तो फिर मर सकते हैं, इसलिए आपको ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है। तो मैंने कहा कि सर ये कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने बोला कि सर बेटा 70,000 का खर्चा आएगा। फिर मैंने बोला कि अगर 70,000 में हम करवा लेंगे ऑपरेशन तो क्या ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, तो डॉक्टर साहब बोले कि बेटा ठीक तो नहीं होंगे, मतलब कह नहीं सकते, अगर इस ऑपरेशन से ठीक नहीं हुए तो बड़ा ऑपरेशन फिर करवाना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि उसका कितना खर्चा आएगा, कि उसका 1.25 लाख के लगभग। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब मैं व्यवस्था करके फिर बताता हूँ। तो मेरे जो साथ में मेरे जिया जी थे वो बोले कि राकेश तुम पैसे की चिंता मत करना, पैसे नहीं हो तो मैं दे दूंगा पर तुम ऑपरेशन करवा लो। तो मैंने उनसे कहा कि जिया जी मुझे मेरे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पर पूरा विश्वास है और वो उनको ठीक करेंगे, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा और अब इनको जाके डायरेक्ट संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाऊंगा। उसके बाद हम वहाँ से आए और जैसे ही घर आए और सबसे पहले मेरे पापा ने खुद ने बोल दिया कि बेटा मेरे को उनके आश्रम में ले चल और उनसे नाम दीक्षा दिलवा। तो हमारे पास में ही नीमच नामदान सेंटर है सर जी, तो हम वहाँ गए और संत रामपाल जी महाराज से उनको नाम दीक्षा दिलवाई। और तीसरा लाभ एक और ये है भगत जी कि मेरा जो बालक है वो बाजार में दुकान पर सामान लेने गया था तो जैसे ही रोड क्रॉस कर रहा था तो उधर से मोटरसाइकिल आई तो उस पर 3 सवारी थी। तो जैसे ही मोटरसाइकिल आई और वो क्रॉस कर रहा था तो वो गाड़ी उससे टकरा गई और वो गाड़ी के नीचे पूरा दब गया और वो तीनों सवारी उस गाड़ी के ऊपर और वो नीचे। अब उधर से जो दुकान वाले थे वो सब दौड़ के आ रहे यार ये बाद साहब गिर गए, उनको मालूम नहीं कि इधर बच्चा भी गिरा। तो बाद साहब सोच रहे कि यार ये तो बच्चा मर जाएगा, पहले मेरे को छोड़ो ना उस बच्चे को निकालो यार। तो वो सब दुकान वाले ने सब मतलब जैसे गाड़ी उठाई तो मेरा बालक उठा और उसने हाथ पांव साफ करके न एकदम वो तो चुपचाप चलने लग गया न घर आ गया। तो मैं शाम को घर आया तो दुकान वाले ने सब बोल रहे मेरे से क्या राकेश जी आपका बालक तो आज वहाँ ऐसा हो गया था न बहुत खतरनाक एक्सीडेंट था न क्या मालूम कैसे है तो बच गया। फिर मैंने उनको समझाया कि बच नहीं गया, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज की कृपा है
जहाज उनकी वजह से सुरक्षित है। मैंने पूछा कि बेटा ऐसा क्या हुआ था, तो बोला पापा मैं सामान लेने जा रहा था और उधर से मेरे को ध्यान नहीं रहा और गाड़ी आ गई और मेरे ऊपर गिर गई, पर मुझे तो पता ही नहीं चला, पर अपने संत रामपाल जी महाराज जैसे आए और उन्होंने गाड़ी पकड़ ली और मेरे को एकदम इधर हटा लिया और मेरे एक खरोच तक नहीं आए। फिर मैंने बोला जय हो बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। और भगत जी एक और लाभ मेरे को ये हुआ कि मेरे जो बड़े पापा है तो वो हमारे पास ही रहते हैं, उनके कोई है ही नहीं, उनके पत्नी वगैरह कोई, तो उनकी देख रेख हम ही कर रहे हैं। तो सर जी वो रात को बाथरूम करने के लिए जैसे ही निकले तो अंधेरे में वो क्या ही गिर गए, तो जैसे ही गिरे तो उनका एक एक तरफ का शरीर ये पूरा एक तरफ से पूरा लकवा मार गया और उनका हाथ पांव काम करना ही छोड़ दिया। और तो आवाज आई उधर से, तो फिर मेरे पापा और हम दौड़ के गए तो बोल रहे कि मेरे तो हाथ पांव काम ही नहीं कर रहे। फिर हमने उनको उठा के पलंग पे सुलाया और उनके दो लड़कियां हैं उनको फोन लगाया हमने, मैंने कहा ऐसा ऐसा हो गए, तो दोनों आई तो बोले कि हमको भी टाइम नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आपको टाइम नहीं है ना हम इनको ले जाएं तो हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले जाएं हमारे गुरु जी के पास, तो वहाँ जाने के बाद ये सही हो जाएंगे। तो बोले कि आपके समझ में आए वो करो। तो सर जी हम इनको संत रामपाल जी महाराज की शरण में ले गए और वहाँ नाम दीक्षा दिलवाया और दो चार दिन में ही उनके हाथ पांव सही हो गए और धीरे धीरे हाथ भी ऐसा हो रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, ये भी काम करने लग गया। और सर जी वो सुनते भी नहीं है, मतलब उनको कान से कम सुनाई देता है, फिर भी वो धीरे धीरे परमात्मा का नाम संत रामपाल जी महाराज का नाम लिया करते हैं और आज वो आराम से घर से मतलब बाजार जाके आ जाते हैं और लोग मोहल्ले वाले खुद देखते हैं कि यार ये बादशाह तो मरने जैसे थे यार और आज ये जवान जैसे घूम रहे फिर रहे हैं। ये सब संत रामपाल जी महाराज की कृपा है जो आज वो सब सुरक्षित है और आज हमारा पूरा परिवार सुखी है। सर क्या आप नशा भी करते थे? हाँ सर जी, नशा तो मैं इतना करता था कि मतलब ये जो मिराज तम्बाकू आती है वो मतलब 24 घंटे मेरे जेब में ही पड़ी रहती थी और मैं मतलब सोता था तो भी उसको निकाल के ना मुंह में लेके ही सोता था और रात को अगर नींद खुल जाए तो वापस फिर तम्बाकू खा लेता था और सुबह उठते ही पहले मैं तम्बाकू खाता था उसके बाद दूसरा काम करता था मैं, भले मुँह भी नहीं खोलता पर पहले तम्बाकू जरूर। और अगर मेरे पास तम्बाकू नहीं हो और दुकान बंद हो तो मैं दुकान को खुलवा लेता, तम्बाकू ऐसी तलब थी। और सर जी तम्बाकू के अलावा मैं गांजा सिगरेट शराब वगैरह सभी चीज़ों का बहुत आदि था और जब से संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया ये सभी नशा मैंने त्याग दिया। सर आप बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है, तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? सर जी संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में ऐसी शक्ति है कि उनका मंत्र जाप करते ही ये नशे जैसी भयंकर आदतें और बीमारी वगैरह सब छू मंतर हो जाती है। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया और उनका मंत्रोच्चारण किया हमारे सभी बीमारियां सभी कुष्ठ रोग नशे की आदत वगैरह सभी खत्म हो गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी भगत भाइयों को हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाहता हूँ और मेरे मित्र लोग जो मेरे साथ गलत आदतों में पहले शामिल थे उनको भी मैं हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है, इसको यूं व्यर्थ नशे में और इस माया के चक्कर में ना गंवाएं और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से सद्भक्ति प्राप्त करके उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना मनुष्य जीवन सुधारे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए रोजाना चैनल पर शाम को संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, उसके नीचे एक पट्टी आती है उस पर मोबाइल नंबर आते हैं, आप उस मोबाइल नंबर पर संपर्क करके आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा नाम दीक्षा दिलाई जाएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222880541, 8222880542, 8222880543, 8222880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।